बालूरघाट फॉरेस्ट मेरा सबसे पसंदीदा एक जगह। जब भी मेरा मन खराब होता है तो मैं नेचर के पास चला जाता हूँ। नेचर के पेड़ पौधे के बीच बहुत सारे बर्ड्स, बटरफ्लाई, फ्लावर, इन सब के बीच में रहते हुए मेरे मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये है दोस्तों मेरे होम सिटी बालूरघाट का बालूरघाट फॉरेस्ट। दोस्तों आप सबका स्वागत है प्रो एडिटिंग लुक्स में। मैं हूं अंजन। आज दोस्तों मैं हमारी शहर का, मेरा शहर है बालूरघाट, तो मेरे शहर का ही ये फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में ही दोस्तों आज मैं अभी ब्लॉगिंग करूंगा, तो थोड़ा सा बर्ड फोटोग्राफी करता है दोस्तों। दोस्तों मानसून तो अभी उतना अच्छा हुआ नहीं इस साल, अभी भी ये मई मंथ चल रहा है, अभी अप्रैल में भी उतना अच्छा मॉनसून नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ। तो क्या हुआ, जंगल पूरी तरह से जो ग्रीनिश होता था वो अभी नहीं हुआ दोस्तों। आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। दोस्तों एक जगह पे नहीं रुकेंगे, थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं। इधर देखिए ये वाला हिस्सा, ये जंगल का एरिया बहुत ही टफ है। यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, स्नेक्स हैं एंड मच्छर तो बहुत है। अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्मी का टाइम है तो मच्छर कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स है यहाँ पे। आपको मैं अभी एक दोस्त चीज़ दिखाता हूँ, ये बहुत ही प्यारा चीज़ है, ये देखिए। ये यहाँ चारों तरफ पेड़ों से नीचे गिर रहा है, इसके अंदर शीट होता है दोस्तों, तो वो शीट आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों शीट, तो ये शीट क्या होता है, ये मिट्टी पे गिरता है तो वहाँ से ये एक नया पौधा जन्म लेता है। एंड ये एकदम ही फाइबर है, नेचुरल फाइबर। देखा है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, मैं इसे कैप्चर तो ज़रूर करूँगा। तो ये मेरे शहर का फॉरेस्ट है, बालूरघाट फॉरेस्ट बोलते हैं इसे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं दोस्तों फ़ोटो लेने, मॉडल का मॉडल शूट होता है या फिर दूसरा कोई भी बर्ड फोटोग्राफी, नेचर फोटोग्राफी के लिए बहुत सारे यहाँ पे फोटोग्राफर्स आते हैं। मैं भी बहुत बार आता हूँ, आज भी आया हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ दिखाना है आपको दोस्तों, ये फल देख रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अर्जुन फल। दोस्तों पेड़ों के अंदर तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, लेकिन वो इस तरह से पेड़ के अंदर छुपे हैं दोस्तों, दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कैमरा लेके फ़ोटो या फिर वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं दिखाई देता फिर से। तो बर्ड फोटोग्राफी दोस्तों बहुत ही टफ है। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया कितना डेंस है, ये देखिए कितना डेंस एरिया दोस्तों। फॉरेस्ट कवर करने दोस्तों एक और हिस्से पर आया हूँ, ये दूसरा इलाका है फॉरेस्ट का। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं मुझे बर्ड मिलता है लेकिन नहीं तो मैं नेचर फोटोग्राफी करूँगा या फिर कुछ इंसेक्ट्स है उसका भी पिक्चर लूँगा। दोस्तों यहाँ पे बर्ड्स जो है वो मुझे देख के अलर्ट हो चुका है, वो इशारा कर रहा है दोस्तों दूसरे बर्ड को कि यहाँ पे कोई है।
तो अपनी तरफ से वो साउंड निकलता है एंड सबको अलर्ट कर देता है। तो फिर भी मैंने कुछ बर्ड का पिक्चर लिया है दोस्तों, और भी लूँगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बढ़िया एक बर्ड मिला है दोस्तों, तो जंगल के अंदर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शायद उधर से दिखने लगेगा। इधर से थोड़ा लेने की मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया था वो बर्ड। तो आप देख सकते हैं मेरा जो शहर है, इस शहर का जो फॉरेस्ट है दोस्तों, कितना डेंस है दोस्तों। एंड ऊपर देखिए दोस्तों, यहाँ पे ही बहुत सारा बर्ड्स है। वो मुझे देख के दोस्तों वो यहाँ से थोड़ा दूर चला गया। वो उसका नेचुरल प्रोसेस है खुद को सेफ रखने की। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एरिया दोस्तों मेरा, मेरे शहर का। एक बहुत ही बढ़िया एक बर्ड्स मिला है दोस्तों। अरे यार चला गया दोस्तों। फॉरेस्ट की और एक डेंस एरिया पे मैं अभी चल रहा हूँ, तो चलते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखते हैं कैसा लग रहा है दोस्तों हमारा फॉरेस्ट, कितना डेंस है। मैंने कहा था ये चलने का रास्ता है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है ना। एंड दोस्तों ये इलाका देखिए बहुत ही लवली है, सन के नीचे क्लाउड आ गया दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ पे सन के नीचे क्लाउड आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया। ये लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर नहीं जा सकते और, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों फॉरेस्ट और भी ज़्यादा डेंस होता है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा जो इंसेक्ट्स है वो साफ है, बहुत सारा यहाँ पे बिच्छू है, तो इसके अंदर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे रास्ता चल जाता है अंदर। यहाँ पे भी दोस्तों एक रास्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अंदर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, ये एकदम फॉरेस्ट के अंदर वाला इलाका है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे बर्ड्स है, लेकिन वो पेड़ के एकदम ही ऊपर है। दोस्तों फिर से धूप निकला है, मैं थोड़ा और फॉरेस्ट के अंदर चलने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा बर्ड मुझे मिलता है कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा इस जगह के अंदर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे भी फ्लावर है, ब्यूटीफुल एक पेड़ है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे भी बर्ड्स को पता लग गया दोस्तों मैं आया हूँ, तो वो अलर्ट हो रहा है दोस्तों, साउंड कर रहा है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं दोस्तों, दोस्तों ये पेड़ देख रहा है, ये एकदम नया हुआ है। इस पेड़ को बोलता है डुमूर पेड़। इस पेड़ का एक फल होता है दोस्तों गोल गोल, तो दोस्तों इस पेड़ का एक फल होता है, फ्रूट होता है, उसको खाया नहीं जाता। उसका फल का नाम, इस पेड़ का नाम है डुमूर पेड़। एंड इसका ऐसा फ्रूट होता है गोल साइज़ का, उसको हम बचपन में खेलते थे क्रिकेट में। हमारे पास बॉल नहीं होता था, तो उसको ही हम क्रिकेट बॉल की तरह खेलते थे। बहुत ही बढ़िया पेड़ है। ये एक रोड है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई जाता है अंदर, मतलब अंदर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो अभी फॉरेस्ट के अंदर तक चलूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सनसेट होने को है दोस्तों, एंड सनसेट का भी पिक्चर लूँगा, लेकिन मुझे देख के चलना पड़ेगा। रास्ते में कोई स्नेक तो नहीं है दोस्तों,
तो मैं थोड़ा सा और कुछ टाइम है 5 मिनट अंदर तक चलूँगा, थोड़ा सा मुझे कुछ मिलता है क्या देख के वापस चला आऊँगा दोस्तों। मैं दोस्तों अंदर तक चलने की कोशिश किया था लेकिन इतना ज़्यादा मधुमक्खी है वो इतना काटते हैं यहाँ पे दोस्तों कि मैं अंदर नहीं गया, नहीं तो मेरा सनसेट का पिक्चर लेना हो गया होता। अगर मधुमक्खी ने मुझे पकड़ लिया होता तो मैं गया यहाँ से। तो भगवान का शुक्रिया है कि मुझे कोई भी मधुमक्खी ने काटा नहीं दोस्तों। बहुत सारा मधुमक्खी मतलब ज़मीन पे ही वो क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं वहाँ से जो दोस्तों चला आया, उसको अकेला छोड़ देना ही ठीक है।